हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में होते हैं। फूड वी ईट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ डाइसेकेराइड्स। हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना ईट डाइजेस्ट करने के लिए इंजेशन करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन होती है इन द फॉर्म ऑफ डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। तो डाइसेकेराइड्स की फॉर्म में जो हम लोग फूड ईट करते हैं उसमें सुक्रोज और लैक्टोज होता है, और पॉलीसेकेराइड होते हैं जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। सेलुलोज को हम लोग इट कॉल एज रफ एज, इन सब को हम लोग रफ एज भी बोल सकते हैं। वी कैन नॉट एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एबल नहीं होते। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी केमिकल कंपोजिशन या एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। सेलुलोज नॉट डाइजेस्टेड बाई एनिमल इट्स ओन, ह्यूमन बॉडी के अंदर या दूसरे एनिमल्स के अंदर डायरेक्टली ऐसा कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होता जो डायरेक्ट ही सेलुलोज का डाइजेशन कर लेता है, उस अपनी बॉडी के अंदर खुद ही उसको डाइजेस्ट करने के लिए एबल नहीं होता। इट्स डाइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड सेलुलोज विच इज सिंथिसाइज बाई सर्टेन एंजाइम्स। इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको सेलुलोज बोलते हैं। तो सेलुलोज एंजाइम किसी दूसरे माइक्रोब से बॉडी के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है। मेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। हम लोग जो भी फूड इंजेस्ट करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की दो बेसिक फॉर्म होती हैं, पॉलीसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। वी नीड टू ब्रेक डाउन द डाइसेकेराइड्स इंटू मोनोसेकेराइड्स एज वेल एज द पॉलीसेकेराइड्स इंटू द मोनोसेकेराइड्स, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सिंपल शुगर। जो हम लोग डाइजेस्ट करते हैं या इंजेस्ट करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स। तो ये क्या है, एक बिग पार्टिकल होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं, और लार्ज पार्टिकल का डाइजेशन एबल नहीं होता। वैसे भी सेलुलोज डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि इसके लिए सेलुलोज एंजाइम की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होता। इसके डाइजेशन के लिए पहले पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। वो फॉर्म होती है मोनोसेकेराइड्स, और वो मोनोसेकेराइड एक टाइप का फॉर्म होता है ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिनको हम लोग सिंपल शुगर बोल सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्म माइक्रोब्स के थ्रू डाइजेस्ट की जाती है। इफ़ वी कंज्यूम मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज वी डोंट हैव टू डाइजेस्ट बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। इफ वी कंज्यूम मोनोसेकेराइड ग्लूकोज वी डोंट हैव टू डाइजेस्ट इट बिकॉज दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर हम लोग डायरेक्टली अगर क्या लेते हैं, इट मीन्स ग्लूकोज की फॉर्म लेते हैं, सिंपल शुगर लेते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पहले से ऑलरेडी सिंपलेस्ट पार्टिकल में हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डाइजेशन बेसिकली मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स इंटू द सिंपलेस्ट सब्सटेंस कैन बी ऑब्जर्व। डाइजेशन का बेसिक फॉर्मेशन क्या होता है कि एक बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना जिससे वो ऑब्जर्व किया जा सके बॉडी के थ्रू, यानी एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होना, विच वी कैन ईजिएस्ट ऑब्जर्व, जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सके। ये डाइजेशन की बेसिक फॉर्म होती हैं। इसलिए ही पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड्स को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स को पहले कन्वर्जन किया जाता है मोनोसेकेराइड्स में, जिससे वो ईजिएस्टली डाइजेस्ट हो सके। डाइजेशन ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, किसी भी बेसिक फॉर्मेशन के लिए या जो भी हम लोग फूड इंजेस्ट करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो हमारे बॉडी के अंदर स्पेसिफिक पार्ट्स में क्या होता है, डाइजेस्ट किया जाता है, और वो सारे के सारे पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले बक्कल कैविटी में।
स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो क्या फॉर्मेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होता है, डाइजेस्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज, या इसका सेकेंड नेम है पैटिलिन, पैक्टिलिन, सेलाइवरी एमाइलेज या सेकेंड नेम पैक्टिलिन की स्टार्च पैक्टिलिन या सेलाइवरी एमाइलेज की फॉर्म में माल्टोज या आइसोमाल्टेज और लिमिट डेक्सट्रिन जो सिंपल शुगर हैं इनमें कन्वर्ट किया जाता है जिससे इजेस्ट डाइजेस्ट हो जाएगा। ये एक बड़ा पार्टिकल है, फिर इसको सिंपलेस्ट पार्टिकल में, क्योंकि लार्ज पार्टिकल का डाइजेशन एबल नहीं है। सेलाइवरी एमाइलेज 6.8 pH पर फंक्शन करता है जो स्लाइटली एसिडिक होती है, और इसके एक्टिवेशन के लिए या इसके फंक्शन के लिए क्लोरीन Cl आयन्स या क्लोरीन आयन्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज। तो बोल सकते हो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो सेलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, जिसको माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रीन बोलते हैं। इसका सेकेंड नेम होता है सेलाइवरी एमाइलेज का पेक्टिलिन। ये 6.8 या स्लाइटली एसिडिक पीएच पर फंक्शन करता है। इसके एक्टिवेशन के लिए क्लोरीन आयन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इस एंजाइम के एक्टिवेट होने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इतनी पीएच चाहिए होगी और ये आयन्स चाहिए होंगे। वन वी पुट द फूड इन आवर माउथ बक्कल कैविटी वी स्टार्ट च्युइंग इट। सबसे पहले हम लोग फूड को बक्कल कैविटी में लेते हैं और उसको चबाना स्टार्ट करते हैं। च्युइंग से मतलब है चबाना स्टार्ट करते हो। च्युइंगिंग इज अ मैकेनिकल डाइजेशन एंड एक्शन ऑफ एंजाइम स्टार्ट्स द केमिकल डाइजेशन। च्युइंगिंग क्या है? इट मीन्स बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना है। एक मैकेनिकल डाइजेशन, नॉट केमिकल डाइजेशन। और कोई भी एंजाइम जब एक्टिविटी करता है तो उसके लिए उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन मतलब माउथ के अंदर बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में डाइजेस्ट किया तोड़ा जाता है। वो केमिकल कंपोजिशन नहीं होती, एंजाइम एक्शन नहीं होता। एंजाइम एक्शन कब होगा? जब वो छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा तब उसके ऊपर एंजाइम एक्शन होगा। च्युइंगिंग मैकेनिकल डाइजेशन, एंजाइम एक्शन केमिकल डाइजेशन। जब तक हम लोग किसी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं तो वो केमिकल डाइजेशन नहीं होता, वो मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो माउथ के अंदर या बकल कैविटी के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होता है, उसके बाद में छोटे पार्टिकल्स के ऊपर केमिकल डाइजेशन एंजाइम एक्शन स्टार्ट होती है। वी हार्डली कीप द फूड इन आवर माउथ फॉर ए मिनट मोस्ट ऑफ द टाइम लेस देन इट। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, हार्डली से मीनिंग है कि हम लोग किसी भी फूड पार्टिकल को चबाने के लिए मैक्सिममली च्युइंगिंग करने के लिए या माउथ कैविटी में रखते हैं वो टाइम पीरियड होता है 1 मिनट या उससे भी कम टाइम पीरियड हो सकता है। एंड देन वी आर च्युइंगिंग इट, दिस एमाइलेज मिक्स विद द फूड स्टार्च। अब जब हम लोग इसको चबाते हैं तो ये छोटे पार्टिकल्स में डाइजेस्ट टूट जाता है और उसके बाद में सेलाइवरी एमाइलेज इसके अंदर मिक्स होता है, और सेलाइवरी एमाइलेज जब मिक्स होता है तो मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हार्डली 3% ऑफ स्टार्च वुड गेट डाइजेस्टेड इन टू बक्कल कैविटी इफ विच वी इट प्रॉपरली। अगर हम किसी फूड पार्टिकल को 20 से 25 बार या 24 से 26 बार या 30 बार तक मैक्सिममली डाइजेस्ट करते हैं, जितना ज़्यादा चबाएंगे हम खाने को उतना ही ज़्यादा स्टार्च का डाइजेशन कैपेबल होगा या अच्छा हो पाता है। तो जब भी आप लोग खाने को इंजेस्ट करते हो, फूड इंजेस्ट करते हो, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में 20 से 30 बार च्युइंगिंग करना चाहिए, चबाना चाहिए, जिससे डाइजेशन अच्छे से हो सके। 3% ऑफ स्टार्च वुड गाइड डाइजेस्ट। बक्कल कैविटी में टोटल अमाउंट ऑफ स्टार्च का, यानी जितना भी स्टार्च आप लोग इंजेस्ट कर रहे हो, उसका 3% डाइजेशन टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट है बोलस, एक फूड की फॉर्म होती है। द फूड दैट विच इज च्युइड मिक्स विद सलाइवा एंड इट इज ए बोल लाइक सॉफ्ट मटेरियल विच गेट्स स्वेलर्ड। क्या बात करते हो? इट मीन जब आप लोग खाने को बक्कल कैविटी में लेते हैं तो उसको चबाया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उसके अंदर फिर सलाइवा मिक्स हो जाता है, और सलाइवा मिक्स हो जाने के बाद में एक छोटी बोल के जैसे स्ट्रक्चर में फॉर्म अप होता है, यानी एक बोल के जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है जो एक सॉफ्ट मटेरियल है जिसको हम लोग गटकते हैं, स्वेलोड, यानी एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट में फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ स्वेलोइंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस या वो फूड मटेरियल जिसके अंदर
खाना चबाने के बाद में बक्कल कैविटी में फूड एक सॉफ्ट बॉल के जैसे स्ट्रक्चर हो जाती है और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, जिसको हम लोग गटकते हैं, इंजेस्ट करते हैं आगे वाले पार्ट के अंदर, वो क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय सलाइवरी एमाइलेज, बट अबाउट 3% ऑफ इन बक्कल कैविटी एंड 27% इन द स्टोमक। क्या बात करते हो, सलाइवरी एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है या स्टार्च का डाइजेशन करता है वो टोटल कितना होता है? 30% होता है। बस बक्कल कैविटी में उसका 3% होता है और रेस्ट ऑफ 27 इन स्टोमक। यानी 30% बात करें ओवरऑल स्टार्च की, तो उसमें से 3% बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट होता है और 27 इन स्टोमक। बिकॉज इन बोलस ऑल्सो ए सलाइवरी एमाइलेज, क्योंकि जब खाना मिक्स हो जाता है और वो एक सॉफ्ट बॉल के जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग स्टोमक में ट्रांसफर करते हैं, उसमें सलाइवरी एमाइलेज अभी भी प्रेजेंट है। व्हेन इट रीच एट स्टोमक इट्स प्रोसेस इज स्लो बिकॉज इन स्टोमक पीएच इज हाईली एसिडिक। जब हम लोग इसको ट्रांसफर कर देते हैं स्वेलोइंग के बाद में स्टोमक में, तो सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, उसकी जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टोमक के अंदर जो जितनी पीएच होती है 6.8 वो अवेलेबल नहीं होती सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन के लिए। सेकंड पार्ट है स्टोमक, नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एज गैस्ट्रिक जूस हैज़ नो एमाइलेज। स्टोमक के अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई भी सलाइवरी एमाइलेज नहीं होता। गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक से सिक्रेट किया जाता है उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज एब्सेंस होता है, इसलिए नहीं डाइजेशन टेक प्लेस होता। थर्ड, फिर उसके बाद में काइम। काइम भी एक फूड का फॉर्मेशन है, पार्शली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड ड्यू टू एचसीएल ऑफ स्टोमक। पार्शली यानी कंप्लीट डाइजेशन ना होना या थोड़ा सा डाइजेस्ट होना कहाँ पर? स्टोमक के अंदर। किस वजह से? स्टोमक के अंदर जो HCl है उसकी pH की वजह से पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का और अब ये बोलस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? काइम में। थर्ड है इंटेस्टाइनल पार्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूओडेनम। स्टार्च अप्रोक्सीमेट 70% स्टार्च रीचेज इन टू डोडोनियम, यानी 30% डाइजेशन कहाँ कहाँ कंप्लीट हो गया है अपना? 3% इन बकल कैविटी और 27 इन स्टमक। स्टमक के अंदर डाइजेशन नहीं होता बट सलाइवरी एमाइलेज जो बकल कैविटी से आया है उसकी वजह से यहाँ पर वो 27% डाइजेस्ट होता है। अप्रोक्सीमेट 70% स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन टू डुडोनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसके अंदर 70% डाइजेशन कम्प्लीट होता है। कैसे होता है? स्टार्च 70% इन डुडोनम इन प्रेजेंस ऑफ पेनक्रियाटिक एमाइलेज, एक एंजाइम है पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो 8.6 से 8.8 बेसिक पीएच के ऊपर फंक्शन करता है ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयंस ऑफ बाइल्स, और इसके साथ में बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं बाइल जूस जो सीक्रेट किया जाता है। कन्वर्जन होता है किसमें? माल्टोज आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन में। ये क्या होते हैं? सिंपल शुगर मटेरियल होते हैं। अब माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में 6.8 टू 8.8 पीएच में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल्स में। सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टेज में कन्वर्जन किया जाता है। आइसोमाल्टेज आइसोमाल्टोज आइसोमाल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। लिमिट डेक्सट्रिनेज एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। तो एक सिंपल फॉर्मेशन है कार्बोहाइड्रेट के जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बोलते हैं। डाइसैकेराइड्स एंजाइम एक्शन, डाइसैकेराइड्स एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम एक्शन, कोई भी एंजाइम एक्शन होगा तो केमिकल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उससे सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट होते हैं और वो सिंपलेस्ट शुगर क्या होती है? मोनोसैकेराइड्स होती है विच वी डाइजेस्ट ईजिली, जिसको हम लोग आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। अबाउट 80% ऑफ ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड्स दैट
वी गेट ड्यू टू दिस प्रोसेस एंड देयर इज फ्रक्टोज ऑल्सो ग्लूकोज गलेक्टोज ऑल्सो. क्या बात कर रहे हो? अबाउट 80% ऑफ ग्लूकोज मोनोसेक्राइड दैट वी गेट जो हम लोग लेते हैं ड्यू टू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की वजह से देयर इज फ्रक्टोज एंड गलेक्टोज ऑल्सो, उनका डाइजेशन कंप्लीट होता है. ये था कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट. इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे. थैंक यू.